बिलासपुर में हिमाचल पथ परिवहन तकनीकी कर्मचारियों का आंदोलन पांचवें दिन में प्रवेश कर गया है। हिमाचल पथ परिवहन तकनीकी कर्मचारी पीस मिल वर्कर यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर एचआरटीसी प्रबंधन के विरुद्ध अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। आज बिलासपुर में हिमाचल पथ परिवहन तकनीकी कर्मचारियों का आंदोलन पांचवें दिन में प्रवेश कर रहा है। हिमाचल पथ परिवहन तकनीकी कर्मचारी पीसमिल वर्कर यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर एचआरटीसी प्रबंधन के विरुद्ध अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। पीसमिल वर्कर यूनियन के सचिव बिशप सिंह ने एचआरटीसी यूनियन में आरोप लगाया कि पीसमिल वर्कर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर दुख की बात है कि इतना लंबा अरसा बीत जाने के उपरांत भी उनसे वार्ता करना एचआरटीसी प्रबंधन या प्रशासन ने उचित नहीं समझा, जो कि चिंता का विषय है। पीसमिल वर्करों का भविष्य अंधकार में है। सरकार को शीघ्र उनके अधिकार पूर्ण मांगों को मनवाने के प्रति शीघ्र एचआरटीसी प्रबंधन पर दबाव बनाना चाहिए, जिससे वे पीसमिल वर्कर तन मन से एचआरटीसी में अपनी सेवाएं प्रदान कर सके। टेक्निकल यूनियन एचआरटीसी हमीरपुर डिवीजन का सचिव होने के नाते आज हमारा रोष प्रदर्शन का जो दौर चला हुआ है उसका आज पांचवा दिन है, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से किसी भी तरह का कोई वार्ता के लिए कोई इसी तरह का कोई भी संकेत नहीं मिले हैं। इसलिए हमारा जो रोष प्रदर्शन है वो इसी तरह एक हफ्ते का 25 तारीख तक जो है चलता रहेगा, जिसमें कि हमारे हिमाचल प्रदेश की राज्य स्तरीय एक मीटिंग हमारे तारा देवी में रखी गई है 24 तारीख को। अगर प्रशासन हमारी जो खासकर जो एचआरटीसी में तकनीकी की तरफ से जो विशेष वर्ग पीस मिल कर्मचारी है इनका अगर कोई हल नहीं निकला, जिस तरह से एक बैच रेगुलर और इनके साथ दो बैच जो कॉन्ट्रैक्ट में आ चुके हैं उसी कड़ी में ये साथी उससे भी कम पीरियड करके जो है कॉन्ट्रैक्ट में आ जाने चाहिए, ये हमारी सबसे बड़ी मांग है। ये केवल बिलासपुर इकाई की ही नहीं है, ये मांग पूरे हिमाचल प्रदेश की है। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में हर डिपो में रोज प्रदर्शन, रोज 1 बजे हमारा काले बिल्ले लगाकर जो है किया जा रहा है। मैं इस मंच के माध्यम से ये मांग करता हूं कि जल्दी से जल्दी बिना कुछ सोचे समझे हमारे जो पीस मिल कर्मचारी जिन्हें की आर्थिक और मानसिक की जो प्रताड़ना सहन करनी पड़ रही है उन साथियों को जल्दी से जल्दी इसकी मुक्ति मिले, ताकि इस एचआरडीसी का फायदे के लिए वो दिन रात इसी तरह तरक्की मेहनत करते चले जाएं, ताकि ये एचआरडीसी भी अपने उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हो। इसी के साथ मैं